दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, कई सारी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC की एक बड़ी अपडेट के बारे में, साथ ही साथ TGT PGT की नई भर्ती DSSSB से आने वाली है 12,800 पदों पर। इसके अलावा चयन बोर्ड से बड़ी सूचनाएं मिल रही हैं, तो इन सभी न्यूज को इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी KVS की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS PRT 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है KVS 2023 का, जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे, 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। KVS PRT के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी TGT PGT मामले को लेकर के चयन बोर्ड में क्या चल रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की अगुवाई में आज 13वें दिन भी चयन बोर्ड में आंदोलन चला और काफी सारी यहां पर महिलाएं आई हुई थी। बहुत सारी महिलाओं ने यहां पर सहभागिता की, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी भी थे और लगातार छात्रों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि कितना जल्दी यहां पर जो है अध्यक्ष साहब से वार्ता हो जाए। अभी तक तो अध्यक्ष साहब चयन बोर्ड ही नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिली है, जो सूचना मिली उसके अनुसार आज अध्यक्ष साहब जो है चयन बोर्ड आए थे और प्रतियोगी छात्रों की आज सचिव से भी वार्ता हुई है, ठीक है, नवल किशोर जी से, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम चयन बोर्ड के अध्यक्ष से वार्ता करवाएंगे इस मामले को लेकर के। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रेस विज्ञप्ति जिन्होंने विक्की जिसमें विक्की खान जी ने खुद सारी बातें बताई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रेस विज्ञप्ति है जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की तरफ से जारी की गई है। बताया गया कि आज दिनांक 16 जनवरी को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार 13वें दिन अपना क्रमिक अनशन जारी रखा। सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों की उपस्थिति में विक्की खान समेत अनेक वक्ताओं ने जोरदार ढंग से अपनी मांग उठाई। आज के दिन महिला अभ्यर्थियों की भारी उपस्थिति रही। दबाव में आकर के उप सचिव नवल किशोर जी ने 20 सदस्यीय शिष्टमंडल को मिलने के लिए बुलाया ताकि गतिरोध को दूर किया जा सके। उप सचिव नवल किशोर जी ने कहा कि उनका प्रयास है कि अतिशीघ्र चेयरमैन वीरेश कुमार के साथ भेंट करा करके कोई हल निकाला जाएगा। इसमें जो अभ्यर्थी गए थे वो नाम यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये सभी अभ्यर्थी शामिल रहे। कुल मिलाकर के चयन बोर्ड में अध्यक्ष साहब आने लगे हैं और कल या परसों में वार्ता होने की पूरी उम्मीद। और प्रतियोगी मोर्चा के दावा है कि चयन बोर्ड जो है पोर्टल जरूर खोलेगा, क्योंकि पोर्टल खोलने में बहुत बड़ा काम नहीं है, है ना। जब विज्ञापन इतना बड़ा काम किया जा सकता है, विज्ञापन जारी किया जा सकता है, दोबारा पोर्टल क्यों नहीं खोला जा सकता। और उम्मीद है कि पोर्टल जरूर खुलेगा। बस इसी तरीके से आप सभी लोग सहयोग करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा छात्र वहां पर जो है पहुंचे चयन बोर्ड, क्योंकि जितना ज्यादा छात्र पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर दबाव बनेगा, उतना ही जल्दी जो है यहाँ पर काम आसान होगा। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो क्या कहते हैं ओझा जी हैं, उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास चल रहा है। शीतला प्रसाद ओझा आज लखनऊ गए थे, वहां पर जो है डिप्टी CM माध्यमिक शिक्षा मंत्री इन सभी को ज्ञापन दिए गए हैं। दो तरीके से ज्ञापन यहाँ पर दिए गए। पहला जो ज्ञापन है TGT PGT में पोर्टल खोलने को लेकर के, पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर के इस ज्ञापन दिया गया है, और दूसरा ज्ञापन जो है LT ग्रेड को लेकर के दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड में जो है और GIC प्रवक्ता में समकक्ष छात्रता का मामला अभी पेंडिंग है, इसी वजह से विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। तो वहां भी आज ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं और क्या आश्वासन दिया गया है, तो उसकी जल्दी हम आपके सामने अपडेट लेकर के आएंगे कि आखिर वहां पर क्या बात वहां से निकल के आई है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे, अभी लोक सेवा आयोग ने देखा होगा आपने
कि नई वेबसाइट लॉन्च किया है, और अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी ने यूपीपीएससी ओटीआर लॉन्च किया था, उसी दौरान ये भी लोक सेवा आयोग ने बताया था कि जल्द ही हम यूपीपीएससी की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे, और वहां पर जो भी भर्तियां आने वाली होंगी उन सभी भर्तियों की जो विज्ञापन की डेट है कम से कम एक महीना पहले जारी कर देंगे, ताकि अभ्यर्थियों को पहले से पता चल जाए कि आखिर कौन सा विज्ञापन आने वाला है। तो बहुत सारे छात्र इस तरह के मांग भी कर रहे थे, इसी वजह से लोक सेवा आयोग कैलेंडर भी जारी करता है। हालांकि 2023 का जो कैलेंडर है वो केवल खानापूरी है, लेकिन उस कैलेंडर को छोड़ दो, प्रतियोगी छात्रों की मांगों को देखते हुए यहाँ पर देखिए 16 जनवरी को आज लोक सेवा आयोग ने ये नोटिस जारी करी है, और इस नोटिस के माध्यम से ये बताया कि जनवरी 2023 में कौन कौन से विज्ञापन आने हैं। तो 5 विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करने वाला है, हालांकि पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये जो प्रयास किया जा रहा है लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भी काफी अच्छा है। अगर इसी तरीके से लोक सेवा आयोग पहले बता दे कि ये विज्ञापन इस तारीख को आएगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि एसएससी वगैरह करता है, यूपीएससी करता है, तो इसी तरीके से लोक सेवा आयोग को भी इस बारे में इस तरह से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जनवरी के महीने में 5 विज्ञापन आने हैं, और विज्ञापन कब आएंगे तो यहाँ पर देखिए डेट भी लिखा है, ये सारे विज्ञापन जो 31 जनवरी 2023 को जारी होने की सूचना यहाँ पर दी गई है। हालांकि पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पदों की संख्या इतना मायने नहीं रखता है। अगर सबसे पहले जो है लोक सेवा आयोग नोटिफाई कर देगा अभ्यर्थियों को, तो अभ्यर्थी उसी के अनुरूप तैयारी कर पाएंगे, और ये काफी अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, इस तरह के नोटिफिकेशन आने चाहिए, समय से पहले सूचना लोक सेवा आयोग को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये 5 भर्तियों के नोटिफिकेशन यहाँ पर देखो आने वाले हैं 31 जनवरी 2023 को। अगली अपडेट की बात कर लेते, तो यहाँ पर अगली अपडेट है DSSSB से खुशखबरी के बारे में। आप लोगों को बता दें DSSSB से एक अच्छी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में बहुत कुछ छात्रों द्वारा यहाँ पर एक RTI डाली गई थी, तो RTI में देखिए यहाँ पर जो अपडेट निकल के आई वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए RTI देखिए किसके तरफ से नोटिस जारी की गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट 3 ब्रांच रूम नंबर 2 ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली की तरफ से नोटिस है। और यहाँ पर देखिए एक RTI के रिप्लाई में उन्होंने बताया है कि वर्तमान में TGT वगैरह है कितने कितने यहाँ पर पद खाली रहेंगे और कितनी कितनी पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 27 दिसंबर 2022 के अनुसार ये डेटा है, और यहाँ पर देखिए बताया गया कि TGT हिंदी के 1089 पद है, TGT इंग्लिश के 2053 पद है, ठीक है, और TGT मैथ्स के 3084 पद हैं, और TGT नेचुरल साइंस के 2588 पद हैं, पंजाबी के 82 पद हैं, TGT संस्कृत 1038 पद हैं, TGT सोशल साइंस के 1504 पद हैं, TGT उर्दू के 339 पद हैं, ये यहाँ पर पद हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया कि 616 वैकेंसी का जो अधियाचन पहले ही DSSB को भेज दिया गया है, और बाकी का जो अधियाचन है वो शीघ्र ही भेजा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है ये कुल मिलाकर के आने वाले टाइम पर एक अच्छी भर्ती का विज्ञापन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइमरी टीचर की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये नोटिस है, यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्तमान में सैंक्शनड पोस्ट है वो देखिए 4061 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के सैंक्शनड पोस्ट है, ठीक है, और इसमें से 1019 पोस्ट जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वर्तमान में DOE के अंतर्गत खाली चल रही है, और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले टाइम पर जो है आपको DSSB से भी TGT PGT भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।